इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कफील खान को दी बड़ी राहत। कफील खान को दिया तुरंत रिहा करने का आदेश। कोर्ट ने भाषण को बताया राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अपील। हाई कोर्ट बोला कफील पर एनएसए लगाना गैरकानूनी। नागरिकता कानून को लेकर दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाई कोर्ट ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश भी दिया है। फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश एनएसए की कार्रवाई गैर कानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है, इसीलिए डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। राहत दी है डॉक्टर कफील को और कोर्ट ने किस आधार पर जो है उनको जमान पर रिहा करने का पूरा क्या आदेश दिया है, किस बेंच ने आदेश दिया है? आज ये मैटर ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट में डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लगा हुआ था। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए उनकी मदर नुजहत परवीन जी ने रिट पिटीशन फाइल की थी। इनिशियल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, जहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। बहुत डिटेल्स आर्गूमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट के अपने काउंटर्स आए, फाइनली आज पिटीशन अलाउ हुई है और डॉक्टर कफील खान का जो डिटेंशन आर्डर है उसे इलीगल डिक्लेयर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उसे सेट साइड कर दिया है। डॉक्टर कफील खान को इमीडिएट रिहा करने का आर्डर पास किया है। इवन जो उनके मूल आर्डर जो है 23 फरवरी 2020 का है, बाद के जो सब्सिक्वेंट आर्डर हैं वो सारे आर्डर सेट साइड कर दिए गए हैं और डॉक्टर कफील खान आर्डर भी ऑनरेबल कोर्ट का लोड हो चुका है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर कफील खान आज जेल से रिहा हो जाएंगे अगर आर्डर पहुंच गया जेल तक तो। दरअसल डॉक्टर कफील पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। हाल ही में उनकी हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। साथ ही कफील खान पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई थी, जिसके बाद कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की और हाई कोर्ट ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने और साथ ही उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील का भाषण हिंसा या नफरत बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता और नागरिकों के बीच एकता बढ़ाने वाला था। ये आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। वहीं कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर आप सांसद संजय सिंह समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर कोर्ट के निर्णय पर खुशी जताई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कफील खान के ऊपर से रासुका हटाकर उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है कि यूपी सरकार डॉक्टर कफील खान को बिना किसी विद्वेष के अविलंब रिहा करेगी। कफील खान की रिहाई के प्रयासों में लगे तमाम न्याय पसंद लोगों और यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद। वहीं संजय सिंह ने कफील खान की रिहाई को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कफील खान के मामले में हाई कोर्ट का फैसला योगी सरकार के अन्याय चेहरे को बेनकाब करता है, ध्यान से पढ़ो योगी जी, हाई कोर्ट ने कहा। कफील खान का भाषण राष्ट्रीय एकता और अखंडता की अपील करता है और योगी जी ने कफील को राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया, शर्मनाक। आपको बता दें कि कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की गई। प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट।